हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जिस जगह हम खड़े हैं वो है दिल्ली में, और यहाँ से सीधा आप चले जाएंगे तो गुरुग्राम की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो जगह है ये कनेक्टिविटी के लिए बनाई जा रही है। यहाँ पे एक टोल आने वाला है इन फ्यूचर। एक साइड आप एक कंक्रीट का प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, दूसरी साइड जो ज़मीन है उसको लेवल किया जा रहा है। ये पहले एक सेगमेंट यार्ड था, उसके जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको तोड़ के इस ज़मीन को लेवल किया जा रहा है। उसके बाद देखो, इसको लेवल करने के बाद ये कंक्रीट वाला स्ट्रक्चर एक साइड बन चुका है, दूसरे साइड इसको बनाने का काम चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो एक साइड वाला जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है यहाँ तक कंप्लीट है, दूसरे साइड वाला है यहाँ तक लेवल हो चुका है। और ये पूरा एरिया देखिए, और यहाँ से लेके द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज सेकंड तक ये वाला एरिया है पूरा। ये अभी इस पर काम होना बाकी है। यहाँ पे देखिए, ये गैंट्री साइन बोर्ड के जो पोल्स हैं ये पड़े हुए हैं, और इनको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म ये दो बना दिए गए हैं। तो इस जगह पे काम बाकी है, इसको लेवल किया जाना है। उसके बाद इस पर भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनेगा, और ये जो लॉन्चर आप देख रहे हैं इसको डिसमेंटल करके नीचे उतारा जा रहा है। कुछ दिनों बाद ये जो ट्रैफिक का मोमेंट है, जो नजफगढ़ का पसाड़ा वाला एलिवेटेड रास्ता है उस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ड्रेनेज का काम भी कंप्लीट होने वाला है, चल रहा है रैपिड स्पीड में, विद इन वन मंथ में ये कंप्लीट हो जाएगा। सामने जो ब्रिज है उस पर कपासीडा नजफगढ़ वाला ट्रैफिक के मोमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, फिर इस वाले एरिया का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, इसका सभी को इंतज़ार है कि कब इसकी कनेक्टिविटी हो गुरुग्राम से। यहाँ से लेके जो क्रेन का मोमेंट है वहाँ तक काम बाकी है, बाकी कनेक्टिविटी का काम बड़ी ज़ोरों से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए, रॉन्ग साइड आने वाले व्हीकल ने सारे ट्रैफिक के मोमेंट को ऑब्स्टेक कर दिया। कुछ दिनों बाद ये ट्रैफिक का मोमेंट है ये ब्रिज से हो जाएगा, और यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। नजफगढ़ से कपासीडा जाने वाले जो ट्रैफिक है वो अंडरपास से अभी मोमेंट अभी उसका शुरू हो चुका है। तो नजफगढ़ से कपासीडा जाने वालों को द्वारका एक्सप्रेसवे के काम की वजह से अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।